नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कल मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन ने राज्यपाल से मुलाकात की, कल सुबह 9:30 बजे होगा मंत्रिमंडल विस्तार। राम निवास रावत ले सकते हैं शपथ, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी इससे पहले, उनका काफिला रवाना हो चुका है भोपाल के लिए और कल सुबह 9:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, कल होने जा रहा है मोहन कैबिनेट का विस्तार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार दर्शकों तक यह खबर पहुंचा रहा था और अब बड़ी अपडेट यह है कि सीएम डॉक्टर मोहन ने राज्यपाल से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद बड़ी खबर निकलकर यह आ रही है कि कल सुबह 9:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। राम निवास रावत भी भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं अपने काफिले के साथ। तो पहले जो अटकलें थी, अगर मगर था, क्या उस पर पूरी तरह से विराम लग गया है, बताएंगे विस्तार से। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए फोनलाइन पर। प्रमोद, कल का दिन बड़ा अहम है, मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, इसको लेकर पुख्ता खबर आपके पास क्या है? देखिए, राजभवन में कल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का फर्स्ट एक्सटेंशन होगा और इस फर्स्ट कैबिनेट एक्सटेंशन में राम निवास रावत, जो श्योपुर कला के विजयनगर सीट से, विजयपुर सीट से जो 6 बार के विधायक है, वो मंत्री बनाए जाएंगे, कंफर्म खबर है। और लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में आखिरकार कौन कौन इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, लेकिन सारे सस्पेंस से पर्दा हट गया। अंदर खाने की खबर ये है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे राम निवास रावत। 30 अप्रैल को चलते लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी के विधायक राम निवास रावत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो आखिरकार कब मंत्री बनाए जाते हैं, और अब ये इन तमाम जो कयास उन पर विराम लग गया है और कल राजभवन में ठीक 9:00 बजे राम निवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब विभाग कौन सा मिलेगा वो आने वाले समय में साफ हो पाएगा, लेकिन राम निवास रावत 6 बार से श्योपुर जिला है उसकी विजयपुर सीट से वो विधायक चुनकर आते हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह की सरकार में मिनिस्टर रहे, ओबीसी के बड़े चेहरा माने जाते हैं और राम निवास रावत के आने की वजह से कांग्रेस पार्टी का ग्वालियर चंबल में भारी नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, लिहाजा वो नाराज हुए और कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। लंबे समय से एक कयास लगाए जा रहे थे कि वो आखिरकार कब मंत्री बनाए जाते हैं और अब ये फाइनल हो गया है, कल वो राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में नए मंत्री बनाए जाएंगे राम निवास रावत। दिव्यांग, प्रमोद, कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही थी कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, राम निवास रावत मंत्री बनते हैं तो एक बड़ा पॉलिटिकल संदेश भी जाएगा क्या? एग्जैक्टली, ओबीसी के बड़े चेहरा है और 6 बार विधायक रहे हैं और जिस तरीके से उनका पॉलिटिकल जो उनकी वर्किंग है, उनकी जो स्टाइल है, वो जिस तरीके से वो काम काज करते हैं और ओबीसी में बड़ी पैठ मजबूत रखते हैं, लिहाजा बीजेपी नहीं चाहती है कि जनता के बीच में गलत मैसेज जाए और इसीलिए अब उन्हें मिनिस्टर बनाया जा रहा है। देखिए, कोई ऊर जरूर कभी विवादों में बयानों के जरिए वो नहीं रहते, लेकिन जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, इसका फायदा बीजेपी को हुआ है और लिहाजा अब वो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री ही बनेंगे। कल ठीक 9:00 बजे वो राज्यपाल मंगू भाई पटेल उनको शपथ दिलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दे रहा हूँ और तमाम जो खबरें हैं, जो आशंकाएं हैं और जिस तरीके से कयासबाजी है, अब उन पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग गया है। राम निवास रावत सिंगल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मिनिस्टर बनाए जाएंगे। जो कह रहे हैं कि 1, 2, 3, फिलहाल उन खबरों पे आप पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्योंकि जी मीडिया जो खबर दिखा रहा है वो पुख्ता खबर है और वो ये है कि राम निवास रावत अकेले मंत्री बनाए जाएंगे। अब तक की जानकारी में ये फाइनल है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की है और उनसे मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट विस्तार को लेकर पूरी जानकारी दी है। लिस्ट राजभवन पहुंच गई है और अंदर खाने की खबर बीजेपी के जो सबसे बड़े सोर्स है सरकार के, उनसे ये जानकारी निकलकर सामने आई कि राम निवास रावत अकेले कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। ठीक है प्रमोद, आप लगातार बड़ी खबरें बताते भी हैं, विश्लेषण भी करते हैं, जरा विश्लेषण कीजिए। जो मध्य प्रदेश में मौजूदा चुनावी अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर एक तरफ माहौल है, दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार की खबर है, अगर हम इन दोनों बातों को जोड़ते हैं तो क्या मायने निकलते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी को जिस तरीके से लंबे समय से मैं कवर कर रहा हूँ, मैंने देखा है बीजेपी जो प्रॉमिस करती है
जो दूसरे दल से छोड़कर नेता आते हैं वो प्रॉमिस से आती है। आप फ्लैश बैक में जाएंगे तो राहुल लोधी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, वो भले उपचुनाव हार गए, बाद में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और अब सांसद का टिकट देकर सांसद बना दिया। ऐसे प्रॉमिस अलग अलग नेताओं के हैं, वो दिखा दूंगा। भले ही बीजेपी को साफ दिख रहा है कि ये कैंडिडेट हार सकता है, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रॉमिस निभाए। यहाँ पर ये क्लैरिटीज है। अब आपने कहा कि मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन चल रहा है अमरवाड़ा, तो अमरवाड़ा में देख लीजिए कोई हल जोतता नजर आ रहा है, कोई बखर चला रहा है। ये शुद्ध देसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, जो गाँव में जिस तरीके से खेती की जाती है परंपरागत पुरानी पद्धति रही है, वो अब नेता उस स्तर पर है। और इस बीच में ये मैसेज बीजेपी देना चाहती है कि वो नेताओं से जो प्रॉमिस करती है वो निभाती है। हाँ, ये बात भी सही है कि अमरवाड़ा से कमलेश शाह भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें देगी बीजेपी, ये अंदर खाने की खबर है। लेकिन वो निगम मंडल में जाएंगे, वो वहां एडजस्ट किए जाएंगे, ये खबर है। लेकिन फिलहाल राम निवास रावत कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं और ये मैसेज देने की कवायद है कि जो बीजेपी में आया है और उसको सम्मान बीजेपी देती है। और जिस तरीके से ओबीसी के बड़े नेता राम निवास रावत हैं, कमलेश शाह आदिवासियों के नेता माने जाते हैं, अमरवाड़ा उपचुनाव चल रहा है, 10 तारीख को वोटिंग होनी है, 13 को नतीजे आएंगे, वो बहुत प्रेस्टीज का सवाल है। मुख्यमंत्री ने वहां पर आप देखेंगे तो इलेक्शन की का कैंप किया है और कल आखिरी दिन है, और कल देखेंगे तो अमरवाड़ा में अखाड़ा देखा जाएगा, भोपाल में कैबिनेट एक्सटेंशन होगा। बहुत सारे बड़े नाम थे, गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो, संजय पाठक हो, और भी कई बड़े नेता जिनको लेकर कयास लग रहे थे कि वो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में उन्हें मौका मिल जाएगा, वो मंत्री बन जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। और जो मिनिस्ट्री है वो रहेगी यथावत, और नया नाम उसमें जुड़ जाएगा राम निवास रावत का। प्रमोद शर्मा, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।